ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ लिखा है जबूर भजन साम हां जी जी 33 33 हे धर्मियो यहोवा दी जय जयकार करो हालेलुया सिद्धियां सिद्धियां नूं उस्तत करनी फबदी है सिद्धियां नूं उस्तत करनी फबदी है बरबत बजा के यहोवा दा धन्नवाद करो दस तार दी सितार बजा के उस दी उस्तत गाओ उस दे लई इक नवा गीत गाओ उच्ची सुर उत्ते सुर ताल नाल बजाओ यहोवा दा वचन सत है बिल्कुल जी बिल्कुल ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਲ परमेश्वर पिता आपका शुक्र करते हैं यहोवा परमेश्वर आपका शुक्र करते हैं आपका जिन्ना भी शुक्र किया जाए थोड़ा है और परमेश्वर पिता आप ही हो यहोवा परमेश्वर आपने ही सब कुछ बनाया और परमेश्वर पिता आपका शुक्र करते हैं हर समय हर घड़ी और इस समय के लिए आपका शुक्र करते हैं जो सानू आपने इकट्ठा किया ब्रदर इकबाल जी के जीवन के लिए आपका शुक्र करते हैं और जिन्हें वफादारी दे नाल ये आप दे कम दे लई टाइम कढ़ के मेहनत करके परमेश्वर पिता और वचन नू लभ लभ के परमेश्वर पिता और मेहनत करके रातां नू जाग जाग के परमेश्वर पिता और ये बाइबल स्टडियां करते हैं परमेश्वर पिता सानू दिंदे हन सानू सिखालदे हन ये वचन आपका शुक्र करते हैं परमेश्वर पिता इन्हां नू बरकत दिओ सारे परिवार नू परमेश्वर पिता इन्हां दी बरकत दिओ और अज दी सारी बाइबल स्टडी आपके हत्थां भी दिंदे हां जो कुछ भी बोलिया जाए जो कुछ भी पढ़िया जाए जो कुछ भी सुनिया जाए वो आप वालों हो गए आप साढ़े नाल गलबात करो परमेश्वर पिता और आपका पवित्र आत्मा सानू गाइड करे पवित्र आत्मा जी ये सारी बाइबल स्टडी आपके हत्था भी दें और जो भी इसनों सुने वो बरकत पावे और ये सब कुछ मांगते हाँ आपके इकलौते पुत्र साढ़े मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम आमीन 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 हालेलुया जी आपां जी एन आखरी बाइबल दे आखरी पेजां दे उपर आपां चले गए हैगे आ और प्रकाश की पोथी मुकाशवा दा 22वां आखरी जिहड़ा चैप्टर हैगा आ हां जी ते आपां 17 आयत कर ली सीगी जी जी हां जी ते अज करनी हैगी है प्रकाश की पोथी मुकाशवा 22:18 आयत करनी हैगी इस दियाँ हम आप 18वीं आयत चल रहे हैं 21 आयत है जी तो बस आह जड़ियाँ चार पाँच आयत हैं चार आयत हाँ तो उस तो बाद फिर अपन प्रकाश की पोथी दाजे बाइबल स्टडी आप इतने वर्ष बाई वर्ष चैप्टर बाई चैप्टर हाँ जी मेहरबानी और साढ़े सुन वाले गुजारिश करा कि दुआओं में याद रखना अगला जो भी प्रोग्राम है वो किस तरह चले की करना और सानू सुझाव भी दो सानू दसो तुसी की चाहते हो की स्टडी शुरू की जाए कुछ मन दे विच है कुछ गल्लां हन थोड़े नाल दस्सिया सी हां जी गल आपां कीती सी कुछ टॉपिक्स ते स्टडीज़ करांगे पर जो भी अगर थोड़ा कोई भी टॉपिक होवे तुसी चाहो ते स्टडी कीती जाए खुल खुला के दसो हाँ सानू दसो सानू गाइड करो और किस तरह कीता जाए ते नाले दुआ करो साडे नाले दुआ बिल्कुल जी बिल्कुल ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ
प्रकाश की पोथी मुकाशवा बुक ऑफ रेवलेशन 22 दी 18वीं आयत जी सर। हाँ जी जी, उस विच इस तरह लिखा है, मैं हर एक दे अगे जेड़ा इस पोथी दे अगम वाक दियां बाणियां सुनदा है साखी दिंदा है ते कोई इन्हां विच कुछ वधावे तां ओ बड़ा ओ वधावे तां ओ बवा जेड़ियां इस पोथियां विच लिखियां होईयां हन परमेश्वर उस उत्ते वधावेगा। हालेलुया, प्रभु दे वचन दे पढ़े जाने ते उहदी कृपा बरकत इंजी ठहरी रहे। हाँ, ये वर्स समझांदी है सानू जी कि ना सिर्फ ये सैवन चर्चिज नू या सत कलीसिया नू जिहदा जिक्र असी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हां लई या अजकल जिहड़े संत ने या बिलीवर्स उन्हां लई, बल्कि हर उस इंसान दे लई है जिहड़ा कि इन्हां गल्लां नू सुनदा है, है यानी जिहदे कन्न ने। ते इस आयत च यूहन्ना जिहड़ा है वो गवाही देंदा है, साखी देंदा है कि भविष्यवाणी या भविकवाणी या नबूत प्रोफसी दी इस बुक है दे सुनन वालियां जिहड़े ने उन्हां नूं चेतावनी दे रहा है कि भई इहदे विच कुछ ना वधायो, गल वधाण दी है, वधायो ना घटायो, वो अगे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, हुण ये जिहड़ी जदों असी पढ़िया सी शुरू च उहदे विच यूहन्ना लिखदा है कि प्रकाश की पोथी द बुक ऑफ रेवलेशन मुकाशवा 1:3 ते रेवलेशन प्रकाश की पोथी मुकाशवा 22 दी जिहड़ी है 7वीं आयत च दो जगह लिखे है कि धन होने मुबारक होने जिहड़ा इस प्रोफसी या इस भविष्यवाणी की बुक नू जिहड़ा पढ़दा वे ते जिहड़े सुनदे ने ते जिहड़े इन्हां उत्ते अमल करदे ने ओह मुबारक ने। ये गल उन्हें पहले ही दसी, फिर अगे 22 चैप्टर दे विच ही उन्हें 22 दी 7वीं आयत पढ़ दिओ, शुरू च ते सब याद है लेकिन इहनू भी पढ़ दिओ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ 22 ਰੇਵਲੇਸ਼ਨ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22 ਦੀ 7ਵੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 18ਵੀਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, सुनना ते पालना करना। ये गल पहले ही दसी है, सुनना है पालना करनी है, लेकिन एक गल होर इत्थे वार्निंग है। हाँ, कि कोलों जोड़ जोड़ के ते इहदे विच कोई चीज़ एडिशन ना कर दे, क्योंकि अगर असी होर रिलीजन्स उत्ते भी ध्यान मारीए जिहड़े आसमानी किताबां उत्ते यकीन करदे ने ते बेसिकली ये बुक ते लिखी गई है 96 दे विच, ठीक है, एडी। हाँ जी, एडी एना डोमनी 96 ते बाकी जड़े होर धर्म आए दुनिया च उहदे बाद च आए ने, और उन्होंने भी इस बुक दे विच बड़ी एडिशन्स कीतियां ने कि जी एंड टाइम ते इदां होएगा, इदां जलजाल आएगा, प्रभु यीशु मसीह, डिफरेंट व्यूज ने जिहड़ा के ऐड किए गए, ठीक है। सो ये जिहड़ा एडिशन जिहड़ी है ये खुदा नूं पसंद नहीं है, क्योंकि ये तो वो वाकयात ने जिहड़े होने ने या फिर कुछ हो गए ने, ते इसलिए इहदी बड़ी सजा दसी गई है कि जे इहदे विचों कुछ वधाए कोलों, मतलब है इहनू रख के ते कोई कहानियां बना के ते दसे, है जी, ते जिहड़ी इस बुक विच परमेश्वर ने की कह लो परमेश्वर ने मना कीता है। अच्छा, ये जिहड़ी बुक है ना, खाली प्रकाश की पोथी नहीं गी जिहदे विच मना कीता गया, ये शुरू चले जाओ व्यवस्था सार उदी 4:2
मैं चाहूंगा कि भी पढ़ देनी चाहिए, हाँ, लिख लो पहले, है नी? हाँ जी। व्यवस्था सार स्तिशना डिटोरनमी चार दी दो, ते व्यवस्था सार स्तिशना डिटोरनमी अगे बारह दी बत्ती, बारह दी बत्ती मीन्स इन अंग्रेजी बोल दो, 32 किदी वाला 12 डिटरमिन। हाँ जी, फिर प्रोवर्ब्स या कहावतां या इम्साल चैप्टर 30 वो भी लिख लो, उदी 6वीं आयत, फिर जरमाया प्रोवर्ब्स 30 दी 6वीं ते जरमाया 26 दी सेकंड वर्स, हां 26 दी दो, यरमिया 26 दी दो। ए ना सिर्फ इस बुक विच ए बाइबल दा जेड़ा गॉड है वो चेते करांदा आया है अपने नबियां कोलो रसूलां कोलो हिस्सा बाई हिस्सा कि भाई एदे ए, यानी दूसरे लफ्ज़ां च कि पूरी बाइबल नू दे विच एडिशन नहीं करनी, गल ते ही होगी बिल्कुल। ए पढ़ दो ताकि चलो ये कोई नवा वार्निंग नहीं गी, ये ते पुरानी वार्निंग चली आ रही है। हाँ बिल्कुल जी, व्यवस्था सार चौथी दा चौनवी चौथे दा दो दे विच इस तरह लिखा है जी, जी जेड़े हुक्म मैं तुहानू दिंदा हाँ ना उन्हानू वधाओ ते ना उन्हानू घटाओ तां जो तुसी यहोवा अपने परमेश्वर दे हुक्म दी पालना करो जेड़े मैं तुहानू दिंदा हाँ। मतलब ये हो गया बाइबल दे शुरू च, हाँ ठीक है। लेखत रहनुमाई जी बाइबल नूं पढ़ना चाहिए, बिलकुल। जी आपां सार जो हुक्म मैं थानू दिंदा हां उसकी पालना करियो, जो दिते ओदा ही पालना करनी है, ना इस विच कुछ बधाओ ना इस विच कुछ घटाओ। पालना करन लगे भी इहदे विच कुछ वधा के जां कुछ घटा के नहीं करना, बड़े एहतियात नाल वो जो लिखिया उन्ना ही करना जी, बिल्कुल जी। और अगर कुछ बयान करना है क्योंकि जबूर 119 उदी 130 वर्स यानी भजन साम्स 119 वर्स 130 ते ओ जिहड़ी उदू अनफोल्ड करना होंदा है वो पवित्र आत्मा जदों उन्हों अनफोल्ड करांदा है या उदी तशरीह करांदा है तफसीर करांदा है वो बाइबल दे विचों ही होंदी है। ये नहीं जे एक वर्ष ते असी कदी अपनी डॉक्ट्रिन या उन्होंने वो डिफरेंट जगह इधर ही जाना वाला सर ठीक है थोड़ा बयान कर ना, ठीक है तुसी नहीं तुसी कर रहे हैं थोड़ा बयान कर दो सुनन वाले नु कि थोड़ा जा प्लीज पंजाबी नहीं नहीं तुसी दस रहे हैं मैं थोड़ा नहीं सवाल करना सर जी। ते ए जड़ा ना इदे विच असी एक ते कह छड़े जी मैनू बड़ा नवा रेवलेशन आया, कोई नवा रेवलेशन जड़ा है वो की हैगा वो ठीक है वो रेवोल्यूशन ते एपोकलिप्सिस का की मतलब सी जी कि वो चीज़ां जिहड़ियां पहले तो मौजूद ने उन्हां तो पर्दा चुकी जाना ते नंगियां कर देना ते उन्हों वेखना से यह प्रभु का वचन ते इसे लई बड़ा सच्चा है कि एक जगह तो नहीं ये हो रहे स्टडी करते हैं की कहते हैं भाई जी दसो थोड़ा जा की हाँ नहीं जी तो मैं मेरे बचाया से अपने नवा जिस तरह हम अज कई बार वह कह देंगे है जी वो रब ने मैं दिता है रेवोल्यूशन यीशु मसीह इस महीने इस साल इन्नी तरीक जी ये कित लिखा नहीं है यह वचन के नहीं है असी ये कुछ ऐड नहीं करना हाँ जी और सानू नहीं पता नहीं तैयारी रखनी है फिर यीशु मसीह यह कहता मैं जल्द आ रहा
कि ये भी कह देंगे यार हाले बहुत चरिया इदा भी कह देंगे ये वचन च नहीं लिखा है बिल्कुल ये भी नहीं कहना हाले बहुत चरिया ये आप वधा घटा कर रहे हैं ना ही आप कहना इन्नी तरीक नो आ रहे हैं जे कहता तो वह गलत है कितने नहीं बचे बाइबल के जो नहीं है उससे नहीं आप बहुत अच्छे तो जो कहता हाले नहीं आना बहुत चिर पे आया वह कहता मैं तो जल्द आ रहा हाँ ये भी बाइबल के मुताबिक बचन के मुताबिक नहीं वो भी नहीं यकीन कर तैयारी हर समय रखनी है उन्हें चोर भी खड़ा होना दस के नहीं आना है और कहता उदो आना जो किसी को कोई सारे कहना पता है बहुत बत्ती चौबी की छत्ती आए पले मन हाँ उस दिन स्टडी की वापस कोई नहीं जा जो कह दिता है तो फिर बेच असी कुछ नहीं करना नहीं और फिर जी आप पढ़ लगे सी प्रोवर्ब्स पढ़ना सी जी जी हाँ जी सॉरी फिर ये भी होंदा है जी जिस तरह तुसी पहला भी टच किया सगा जे आप सारे वचन दे बिच पढ़िए देखिए समझिए और उस ते चलिए ना कि एक आयत लैके चलिए हाँ जी वो आयत नू किस भावना दे नाल लिखिया गया है उस दे मुताबक बैकग्राउंड उत्तों थल्लों देख के है ना जदों आप एक आयत नू लैके वह डॉक्ट्रिन बना लेने है तो वह बखरे बखरे हैरसीज़ बन जांदियां विद्यता बन जांदियां बखरे बखरे डॉक्ट्रिन बखरे बखरे चर्च मिशन मिशन बखरे बखरे हो जाते हैं हाँ जी और इस तरह ही मैनू हुण गल मन च आ रही हैगी आ जी जी बयान करो सर कई वह कहते आ देखो जी लिखा आह तुसी मीट नहीं खाना इतने लिखा ना खाओ जां तुसी इस तरह ना करो उस तरह ना गूगल कहते आ देखो जी लिखा खा सकते हैं पूरे वचन देखना पूरे ओवरऑल बच्चे नूं देखना है किस तरह बहुत अच्छे ये जरूरी सी और ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल्स तुसीं दित्तियां ने कि असीं एवें एडिशन कर दिए यीशु फलानी टाइम आ रहा है फलानी जगह आ रहा उन्ना ही दसना जिन्ना सानूं बाइबल दसदी प्रेज़ गॉड जी ओके जी आपां प्रोवर्ब्स कहौता इमसाल हाँ इमसाल 30 दी 6 पढ़नी है ना जी इहदे विच लिखिया हैगा हालेलुया तू ए वचना विच कुछ ना वधा अते एओ ना होवे कि ओ तैनू ताड़े अते तू झूठा निकले हां जी आपां शुरू च भी देख लिया सेंटर विच भी आ गया सेंटर विच भी देख लिया फिर जरमाया नू भी देख लेंदे तो फिर एंड विच भी देख लेंदे देखो जगह जगह हां जी दस देता हां जी जरमाया 26 पढ़ गए जी 26 दी 2 दूसरी आयत दूसरी हाँ जी जी जरमाया 26 दी 2 विच इस तरह लिखा जी यहोवा इउं आखदा है तू यहोवा दे भवन दे वेड़े विच खलो अते यहोवा दे सारे शहर नूं जिहड़ा यहोवा दे भवन विच मत्था टेकण आउंदे हन ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਘਟਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਘਟਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਗਸ ਜਾਂ ਆਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੁਛ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਲਓ 9 ਦੀ 18 ਅਤੇ 20 ਆਏ 9 ਦੀ 18 ਔਰ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ 18 ਦੀ 9 ਦੀ 9 ਚੈਪਟਰ 18 ਅਤੇ 20 ਆਏ ਜੀ ਅੱਗੇ 11 ਦੀ 6 15 ਦੀ 1 16 ਦੀ 9 ਤੇ 21 ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ 16 ਦੀ 9 ਤੇ 21 ਆਏ
18 ਦੀ 4 ਤੇ 8ਵੀਂ ਆਇਤ 4 ਤੇ 8ਵੀਂ ਤੇ 21 ਦੀ 9 ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਗਸ ਜਾਂ ਆਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏਗਾ ਯੂਹੰਨਾ ਸਾਖੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ 18ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਧਾਵੇ ਉਹ ਬਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ 19 ਆਏ ਤੇ ਚਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 22:19 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾ 22 ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:19 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ 19 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 22:19 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਸਿਸ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਾਣ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕੱਢ ਦੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਨਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਵਡ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ ਹੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਲੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਲੌਟ ਹੋ ਮਤਲਬ ਨਿਕਾਲ ਦੇਗਾ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਲੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਉਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਾਲਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਸੋ ਇਹ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਂ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕੱਢੇਗਾ ਹੈਂ ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਉਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀ ਹੈ ਹਯਾਤ ਦਾ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਨਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਦੇ ਸਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਸੇਵ ਉਹ ਫੋਰ ਐਵਰ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਸਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਓਪਨ ਜੀ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
क्योंकि शैतान चाहता है कि उदे इस वचन किया जाए थोड़ा करप्ट किया जाए। हाँ बिल्कुल जी, आप प्रकाश की पोथी के सार्डिस के चर्च के वह कहता परमेश्वर कहता है ना कहता मैं तेरिया करूतान जानता सरदीस दे। हाँ तो मैं तेरिया मैं तीजे चैप्टर बच्चे कहना मैं तेरिया करूतान जानता हाँ और तुसी अपना जामा गंदा कर लिया हाँ जी पश्चाताप करो तौबा करो सीधे रास्ते ते आ जाओ जेड़ा सीधे रास्ते ते चलूगा सच ते चलूगा मैं उदा नाम नहीं कटूंगा। हाँ जी जेड़े सिर्फ नाम दे क्रिश्चियन हैं और फलां तो और परमेश्वर देखता है किस हाँ जी उन्होंने फिर वो कहता फिर नाम कट भी सकता है। हाँ जी हो सकते देखो ना लिखे असी तो बिल्कुल जी कल मैं इसे गल पर टॉपिक की गल करता था। अच्छा प्रेज द लॉर्ड बिल्कुल ठीक है। मिलावट खुदा नू नहीं पसंद, मिलावट गवर्नमेंटा नू नहीं पसंद जड़े के मिला देंदे ने जो लोग करते ने। सो हुण इत्थे की है जड़ा इहदे विच वधाएगा उहदे ते आफतां आणगियां, जड़ा घटाएगा हां जी या जड़ा इहदे विच वधाएगा आफतां आणगियां जड़ा इहदे विचों कढेगा मतलब कोई चीज़ नू नहीं पूरे तौर पर बयान करेगा उदा जड़ी सजा ने वो उस दरख्त दे ते वो वादे जड़े धर्मियों लिए संतान लिए हो खो देगा सीधी गल है ना बिल्कुल। या नहीं यरूशलम में होगी वह ना इसलिए जरूरी है वे कि बड़ा संभल के चलना है बिल्कुल और खौफ चलना है जे परमेश्वर के पैर चलेंगे तो वो बुद्धि या विजडम का शुरू बिल्कुल। ये सर कोई होर गल नहीं बस ठीक है जी ठीक है। जीवन के ब्रश के पुत्र लगे तो प्रवधान जी क्योंकि जीवन के ब्रश की भी गल हुई हैगी आप अगे कर चुके है अगे कर चुके हाँ जी कोई जीवन का फलों का दरख्त है कितने लगे हुआ जरूसलम के दोनों साइडा से दरिया के बिल्कुल और इसलिए कि पत्तियां नाल एक उन्होंने हेल्थ तो उन्होंने लाइफ बैटरी चार्ज रहेगी बिल्कुल नहीं ठीक है जी ठीक है। थानू मैडम कोई सवाल हो ठीक है बहुत वधिया जी। हाँ सो लिखे टाइम है 27 मिनट तो 27 मिनट हो गए तो फिर दूसरी स्टडी च करिए दो ठीक है जी ठीक है जी ये कोई सवाल नहीं। हाँ नहीं कोई सवाल नहीं है परमेश्वर पिता आपका शुक्र करते हैं आपके वचन के लिए और जो सानू आप इस वचन द्वारा तारना करते हो कि असी इस विच ना कुछ बधाइए ना कुछ घटाइए परमेश्वर पिता सानू समझ दो और असी अपना स्वार्थ ना दे विच आके इस दे विच कुछ ना बधाइए जा ना घटाइए सानू समझ दो परमेश्वर पिता सानू समझ दो परमेश्वर पिता ता कि असी इस दे विच कुछ ना बधाइए ना घटाइए परमेश्वर पिता हर एक सुन वाले नू एक एक मसीही भैन भरा दे लई बरकत मांगदे आ इस पोथी नू जिसने भी सुनिया है परमेश्वर पिता इस वचन नू जिसने भी सुनिया है जो आप दे वादे हन ये सुनन वालियां दे लई ओ बरकत आप दिंदे हो ओ बरकत मिले परमेश्वर पिता हर एक दे लई बरकत मांगदे आ आप दा शुक्र करते हैं वचन दे लई जो रोशनी है जो सच है जो जीवन है जो दो धारी तलवार है जो रूह है जो सानू जीवन दिंदा है जो सानू रास्ता दिखाता है जो सानू सच नाल जोड़ता है आप दा शुक्र करते हैं इस जींदे जागदे वचन दे लई परमेश्वर पिता ये सारा वचन साडे अंदर वसे और यह काम करे परमेश्वर पिता साडियां जिंदगियां दे विच और आपका वचन परमेश्वर पिता जो बोलीए वह कम करे दूसर की जिंदगी के परमेश्वर पिता बरकत आवे परमेश्वर पिता आपका वचन कम करे परमेश्वर पिता सानू तैयार करो परमेश्वर पिता सानू तैयार करो जिस तरह आप चाहते हो परमेश्वर पिता उस मुताबक चल सकीए साडे कन्नां नू साडिया सोचां नू साडिया अखां नू खोली रखना खोलो परमेश्वर पिता असी सच दे विच चलीए रोशनी दे विच चलीए परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता मसीही बदन तरक्की करे मजबूत होवे परमेश्वर पिता आपका राज मजबूत होवे परमेश्वर पिता
जो हाले अंधेरे विच हन वह भी सच नूं जाण लैण आपदे वचन नूं जाण लैण परमेश्वर पिता इह सारे वचन नूं परमेश्वर पिता संभालिया जाए और यह वचन परमेश्वर पिता अगे फैले बधे और सारे वचन नूं यीशु मसीह दे पवित्र लहू विच टकदे आ ताकि चोर कीमती चीज़ां जो चुराउंदा है इस वचन नूं चुरा ना सके इस दे विच कुछ हेरा फेरी ना कर सके इस वचन दे विच कुछ वधा घटा ना सके परमेश्वर पिता एहो जे सारे जिहड़े कम हन वह अंधेरे दीआं शक्तियां दे इस नूं शो ना सकन परमेश्वर पिता इस और जो भी इस नूं सुणी बरकत पावे और ये सब कुछ मंगदे हाँ आप दे इकलौते पुत्र साडे मुक्तिदाता यीशु मसीह दे नाम दे विच आमीन।